और अब हमारे सहयोगियों के साथ देखिए इंडिया 10 बजे। लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। पुलिस ने अजय मिश्रा के घर पर नोटिस चस्पा किया है। आशीष मिश्रा को शुक्रवार की सुबह 10 बजे खीरी में पुलिस के सामने पेश होना होगा। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के सवाल का जवाब देते हुए लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा था कि मुख्य आरोपी से भी पूछताछ होगी, उसके आधार पर आगे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी लवकुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के समय थार गाड़ी हरिओम चला रहा था, उसके बगल में सुमित जायसवाल बैठा था जिसने किसानों के खिलाफ केस किया है। पीछे श्याम सुंदर लवकुश और आशीष पांडे बैठा था। श्याम सुंदर की मौत हो चुकी है, हरिओम की भी मौत हो चुकी है, जबकि बाकी दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हिंसा के 4 दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है और मौके से पुलिस को 2 खाली कारतूस भी मिले हैं। उधर लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और योगी सरकार से पूछा है कि अब तक कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कल तक जवाब मांगा है। लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज पैदल मार्च निकाला गया। हालांकि ये मार्च यूपी बॉर्डर से ही वापस लौट गया, जबकि इस मार्च को भरतपुर के ऊंचा नगला बॉर्डर से लखीमपुर खीरी तक पहुंचना था। दरअसल बॉर्डर पर पहुंचने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रियंका गांधी को रिहा कर दिया गया है, इसलिए अब वह लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता बॉर्डर पर सभा करके और पुतला दहन करके वापस लौट गए। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस किसान नरसंहार में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। यूपी की बीजेपी सरकार ने संवेदनहीनता की हदें पार कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी के महासचिव सतीश मिश्रा ने भी लखीमपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। इसके अलावा लखीमपुर कांड पर नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस ने भी रोष मार्च निकाला। इस मार्च में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हुए, हालांकि वो किसी कारण से वापस कुछ देर में ही चले गए। मोहाली से निकले इस रोष मार्च को जब यूपी में घुसने नहीं दिया गया तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई और इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट ने आर्यन खान सहित 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने एनसीबी को रिमांड देने से मना करते हुए कहा कि अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में बेल एप्लीकेशन भी दाखिल कर दी है। जमानत की सुनवाई स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में होगी। कोर्ट में बचाव पक्ष और एनसीबी की तरफ से एएसजी ने चैट को लेकर बहस की। इस दौरान बचाव पक्ष की तरफ से मानशिंदे ने कहा कि चैट फुटबॉलर को लेकर थी, ना कि ड्रग्स को लेकर। वहीं एएसजी ने चैट को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चैट सीधे सीधे ड्रग्स की तरफ इशारा करती है। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में एएसजी ने आधे घंटे पहले हुई एक और गिरफ्तारी की जानकारी दी और बताया कि सभी अभियुक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं वकील ने आर्यन की तरफ से कहा कि दोस्त प्रतीक ने आर्यन की मुलाकात ऑर्गेनाइजर से करवाई थी और वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर आर्यन वहां गया था। क्रूज पर कुल 1300 लोग सवार थे, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ 17 लोगों की हुई है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों आतंकियों द्वारा लगातार आम लोगों को और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकियों ने पिछले 5 दिनों में आम लोगों पर 7वीं बार हमला बोला है। वहीं आज आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में स्थित एक स्कूल में घुसकर 2 टीचर्स की हत्या कर दी। श्रीनगर में आतंकियों ने ईदगाह इलाके में एक स्कूल में घुसकर 2 टीचर्स की हत्या कर दी। इनमें प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक दीपक चांद शामिल है। सुपिंदर सिख समुदाय से और दीपक चांद कश्मीरी पंडित थे। दोनों श्रीनगर के अलोची बाग के रहने वाले थे। वे गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते थे। बताया जाता है कि जिस वक्त आतंकी स्कूल में घुसे, दोनों टीचर स्कूल के बाहरी कैंपस में बैठे थे। आतंकियों ने पहले उनके आईडी कार्ड चेक किए और इसके बाद गोली मारी। दोनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। दोनों टीचर्स को शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस भेजा गया। वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर ने बताया कि दोनों को कई गोलियां लगी थी। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। इधर घाटी में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बाद पुलिस का कहना है कि यह स्थानीय लोगों और मुस्लिमों को बदनाम करने की बड़े स्तर पर साजिश है, लेकिन पुलिस इस साजिश को किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देगी और घाटी में अमन चैन और सांप्रदायिक माहौल को और मजबूत करने के लिए पुलिस लगातार काम करती रहेगी।
आज नवरात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के साथ ही देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। उन्होंने ऋषिकेश एम्स पहुंच के वहां के ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया। इसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रिमोट का यूज करके देश भर में अन्य ऑक्सीजन प्लांट्स का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के साथ अपना संबोधन शुरू किया। कहा कि देवभूमि विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है, इसे माँ गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। आज से ही नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं और आज के दिन मेरा यहाँ आकर हिमालय की धरती को प्रणाम करना धन्य भाग्य है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना मित्र कहकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, एक विश्व स्तरीय जांच लैब से शुरुआत करने के साथ आज हमारे पास 3000 विश्व स्तरीय जांच लैब है। कभी मास्क और दवाओं के आयात के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, आज भारत मास्क और दवाएं निर्यात कर रहा है। आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को करीब 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट मिलने जा रहे हैं और हमारे अस्पताल भी पहले से ज़्यादा सक्षम है। और साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे लिए कितनी गर्व की बात है कि देश में कोरोना वैक्सीन के डोज 93 करोड़ लगाए जा चुके हैं।